ओ भाईजान सारी पेमेंट कर दी हुई है, आपको आवाज नहीं आ रही। जी जी सिकंदर बोल रहा हूँ, सिकंदर मलक सिकंदर बोल रहा हूँ जनाब। ओ भाईजान गाड़ी बुक करवाई हुई है, सारे पैसे दे है वो, स्लू का पैसे कर रहे हैं जैसे मैं किस्तों में ले रहा हूँ। ओ यार मियां फी साहब से बात कराओ मेरी, आपकी मेहरबानी, मियां फी साहब से बात कराओ। हेलो ओ मियां साहब सिकंदर बोल रहा हूँ, सिकंदर ओ जनाब गाड़ी के पैसे सारे दे आया हुआ हूँ, गाड़ी नहीं आ रही, खुदा का वास्ता है गाड़ी मेरी डिलीवर करें। देखें इंस्पेक्शन करनी होती है, कारोबार देखना होता है अपना, प्लीज आप गाड़ी प्लीज बड़ी मेहरबानी, आज जरूर दे दें, जरूर दे दें। खुदा हाफिज जनाब, शुक्रिया। पाजी ओ मेरे पुत्र दा 2.5 लाख दा मोबाइल भी तुसी क्या सी ओ कल भेजो। ओ पुत्र गल सुन, तेरा हिसाब करना होने ते जा खुद लै मोबाइल बेटे का, मैं नहीं लेके देना। तुसी जनाब तरीके ना मुझे डाला करो, देखो मेरी बात सुन, नखरी ना करो, मेरे पास कारीगर बहुत है, नखरी ना करो मेरे साथ। जी हमेशा तुहाडी सुनिए, जे हुण तुहानू कहता ते केड़ी के आफत आ गई आ। ठेकेदार है मलक जी, आप आपने तो हमारी सुननी है और हम किसको कहें। हमारी कितनी को सुनो, झाड़ दे बस कर दे बेटे। ठेकेदार जी तुसी साडा इसरा जाली नोट आउण दे जे विच कुछ। देखो बेटा तेन क्या सी के सिर्फ नवीने दी परफॉर्मेंस गा के करनी है। गा के इधर उधर हो तो पहले नोट चेक कर। बंदा खोचल सी जी, 500 नकली दे के ते 495 दे कोलो असली लै गया। ओ यार आपको इतनी देर में ये भी नहीं पता चला कि नोट कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। मैं तो शारे के परले पासे था, वो अन्ना बना हुआ कोई बंदा तेज था। मैं साहब जी उस वेले ना तुम सच्ची दसा, मैं ना पक्का सिगरेट पीता है, मेनु पता ही लगा। सिकंदर ठेकेदार साहब मुझे भी बताएं किस चीज की मीटिंग कर रहे हैं आप लोग। ओ क्या ले जनाब, ठीक ठाक, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, हम अपनी बातों में बढ़ गए। आप ठीक ठाक जनाब? हम तो ठीक ठाक है, इसमें भी ठेकेदारी निजाम मुतारिफ करा दिया, भीख मांगने के जो भिखारियों का नेटवर्क है उसमें भी ठेकेदारी निजाम। देखे फरीद साहब अल्लाह के फजल से सिकंदर आपको जो बात कहेगा गलत नहीं कहेगा जी। 16 ने सोची बात करता हूं, देखें बात सुने। ये जो मुल्क है ना हमारा, ये उसका मुस्तकबिल बैठा हुआ है। अल्लाह ना करे इस मुल्क का मुस्तकबिल भिखारियों के हाथ में हो। ओ भाई जान आप अपनी तारीख उठा के देखे ना, सबसे अहम जो चीज होती है हुकूमत के पास वो मांगना ही तो होता है। आप ये देखिएगा इंशाल्लाह, ये मेरे कारीगरों में से आपको इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल, शौकत त्रीन, ये सब सलमान शाह, सब इसी में से निकलेंगे। सब क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? पापा जी वाह, गवर्नमेंट मंगे तो वो इमदाद है और हम मंगे तो भीख है। अब वो कोई और मामला है, उस मामले को अपने साथ क्यों जोड़ लो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो मेरी बात सुनो, मैं कारीगर अपने आपके स्टूडियो में बेइज्जत कराने के लिए नहीं लेके आया, ये जरा सा नाराज हो जाए काम मेरा खराब हो जाता है, आप जरा हाथ थौला रखे, आपकी मेहरबानी है। ठेकेदार जी थोड़ी मजदूरी बताओ, बड़ी महंगाई हो गई। मलक साहब मुझे इस दफा एडवांस चाहिए, मैंने अपनी बेटी को और दामाद को एसी लगवा के देना। ठहर जाओ, लगवा के देते हैं तुम्हें एसी। ठेकेदार साहब अपनी टीम का तारुफ तो कराएं, जो मांगने वाली टीम बनाई है आपने। ओ हुजूर मांगने वाली टीम ना ही से गए, ये कारीगर है, कारीगर कारीगर है। शर्म करें इनको, कारीगर आप कह रहे हैं, कुछ शर्म करें यार। ओ जनाब कारीगर उसे ही कहते हैं ना जिसके पास कोई गुर हो, इनके पास ऐसा गुर रहा है आपको किसी और के पास नजर ही नहीं आएगा। ये तो कारीगर क्या हीरे हैं हीरे। ये जो मेरा सबसे ज्यादा कमाऊ पोता है, इसका नाम है असलम दीवा। अच्छा, ऐसी परफॉर्मेंस देता है जिस चौक में खड़ा हो जाए अंधे लोगों के आंसू निकल आते हैं जनाब। जरा था अपना आठ भाव अपना जरा फ्री साहब को दिखा। अभी मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, जब मेरी ड्यूटी शुरू करते हैं बॉस फिर मेरी दुनिया अंधेर हो जाती, फिर मुझे कुछ नजर नहीं आता। तुम करते क्या हो चौक पे? ओ जी करना की होता है, सोटी हाथ च होती है ते टुर पईदा। अखियां वाले ओ अखियां बड़ियां नेमत दे, ए उनू पुछो जिन को अखा नहीं, ना तुसी समंदर देख सकते हो ना पहाड़ देख सकते हो, तरस खाओ कोई अन्ने ते मेरी फैमिली दी सारी एहो जी है। तौबा अखियां वाले ओ जरा सोचो ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋ ਅੰਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਉਹ ਤੁਮੇ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਇਹ ਬਾਜੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਬਾਹੂ ਜੀ, ਕੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ। ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਸਾ ਕਿਸੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਸਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਅੱਖੀਆਂ ਬੜੀ ਨੇਮਤ ਜੇ, ਦਿਓ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲਿਓ,
ਇਹਨਾਂ ਤੇ IMF ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਚ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਕਾ ਖੌਫ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ कुछ खुदा का खौफ करो शर्म करो कुछ यार क्यों है जी अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी और तुम अंधे बने हुए हो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सचमुच में नाबीना है जिनके पास अल्लाह ने उन्हें बिनाई नहीं दी है आंख नहीं दी है वो मेहनत मजदूरी करते हैं रोजगार कमाते हैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और तुम अंधे बनकर भीख मांग रहे हो शर्म करो खुदा का खौफ करो बैठो जाके उधर ਉਹ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆਟ ਵਿਖਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦਾਤ ਦੂੰ ਇਸ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕੀ ਦਾਤ ਦੂੰ ਇਸ ਬੇਹਿਸੀ ਕੀ ਦਾਤ ਦੂੰ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਇੱਥੇ ਬਾਊ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਕੋ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਹਤੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕਾਰੀਗਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪ ਦੇਖੇ ਤੋ ਸਹੀ ਕੈਸਾ ਫਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ ਮੇਰੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੀ ਇਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਕਿਆ ਫਨ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਮਿਹਨਤੀ ਕਾਰੀਗਰ ਰਾਸ਼ਰ ਟੁੰਡਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ये तो मेरा मकाओ तोता है मकाओ तोता मकाओ तोता सबसे महंगा चिंगम हो जाता है चिंगम गाग का पीछा नहीं छोड़ता जब तक कोई 150 का नोट ना निकलवाए टुंडे बेटे चल जरा अपना फंदा हुणे लो भाजी सदके अल्लाह तौबा वीडियो बनाने लग पे भाई जी वीडियो तो कारीगर चालू ने ताड़ी मेहरबानी वीडियो ना बनाए ये ना करे बड़ा फनकार आदमी है जी इन्हें एक सराइकी फिल्म च हिरवन दी मां दा रोल भी कीता है एक से एक वद लगीने है मेरे पास अच्छा अमित साहब आप हैरान होंगे सुन के इस मुल्क के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुल 2.5 करोड़ फकीर मौजूद है जो मौके मुनासिबत के मुताबिक निकल आते हैं ईद शबरात ये ऐसे त्योहारों पे और खास तौर पे रमजान के महीने में तो हमारी मार्केट बड़ी अप होती है ना जी सीजन बड़ा अच्छा लग जाता है तो वैसे जो प्रोफेशनल 24 आवर और 12 महीने मांगने वाले बच्चे हैं वो हमारे मुल्क के अंदर जनाब को 50 लाख के करीब है और आप ये यकीन करें कि उन 50 लाख में जो हीरे हीरे वो मेरे पास है सिकंदर ठेकेदार साहब कुछ शर्म करें कोई हया करें कि पूरी कौम को आप ये मांगने पे लगा दिया है आप बातें कर रही है जनाब आपको दिखा मुनीर मुनीर बेटल बेटे इधरा जा बहुरा कोल जा इधरा कोल जा इना दे बाऊ जी ताडी खैर होवे मनीरा मेंटल कहंदे ने मेनू मेनू जिन्ने नोट ना दिता क्या कर रहे हो यार क्या कर रहे हो भाई गड्डिया आगे खड़ो के एदा ही करी दे ते 150 ला बजा मेंटल होने की भी अदाकारी तुम कर रहे हो तो मेंटल हो नहीं नहीं जी मैं इस काम मैं कहता हूं कि गाड़ी इशारे पे रुकती है इसी तरह छलांग लगा के आगे जाता है स्क्रीन के ऊपर डंडा ऐसे करता है अगला 1000 का नोट बाहर निकाल देता है ले डरा धमका के लोगों से भीख मांगता है जनाब मेंटल है मेंटल है मेंटल जेडी 1.5 करोड़ वाली गड्डी मेरे ठेकेदार दी आनी ना शारे थल्ले मैं ही ओदे थल्ले आके 50,000 इकट्ठा करना ही अच्छे भले ठीक हो मेंटल होने की अदाकारी करते हो डरिया के नहीं ठेकेदार जी अरे बुद्रिद राजा देखो बात ये है मेंटल हां तू कमेटी नहीं दी यार की ओए ओ कमेटी ते कमेटी मेनू ठेकेदार जी ने एक नवा घर लेके दित्ता ही ते 65 लाख मेरे बैंक च 65 लाख ये देखें ये देखें ओ पुत्र ये हिसाब किताब इधर ना खोल के बैठ जाओ हला भाई जी अपनी आवाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए बड़ी खबर फैली थी इधर अखबारों में कि मिस्र में एक फकीर ने फौत हुई है उसके घर से 90 लाख पाउंड निकल आए हैं कोई बात नहीं है ऐसा सोचा कारीगर है इधर हमारे पास ओए बेटे
ओए शौके शोदे जी मैं आखा सरकार बेटे जरा अपने फन का मुजाहरा करके दहा इन्होंने बहू होना ए फन कहता बहू जी बच्चियां दी रोजी लाई हुई है रब ने सड़क दे उत्ते मैं इहो जिहा बेहोश हुना के बहू हुणी गड्डियां छड के मेरे वल नूं भजदे ने देखो ना जरा मूह एडा खौफनाक बनांदा है लोकी बटुए खाली कर जांदे ने ठेकेदार जी ये शौके दी ड्यूटी किसे महंगी जगह च लाओ कच्चे इलाके च नु कुत्ते बहुत पैंदे असल च एक वारा बेहोश हो गए डिगा ना जदों इहदे थले कतूरा आके मर गया सी उदों दे कुत्ते दे वैरी होए ने सारे ये तुम जैसे फ्रॉडियों की वजह से जो मुस्तहिक लोग है ना उनका हक मारा जाता है।